जय बद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार से नमस्कार। दोस्तों आज के ब्लॉग की स्वागत कर रही हूँ मैं देवभूमि टिहरी गढ़वाल अपने गांव से, और मेरा नाम है रंजना राणा। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी शाम के बज चुके हैं 8, और हम गांव गए थे खाना खाने के लिए और लाइट नहीं थी, तो मतलब उसके बाद लाइट आ गई थी तो फ़ोन हमने घर में छोड़ दिए थे चार्ज पे। तो खाने में रोटी सब्जी सूजी का हलवा, भात, दाल, ये सब था, यही खाया हमने। तो अभी घर आए हम तैयार होने के लिए, क्योंकि चाची और के लिए घर लेके आना था खाना, इसीलिए। तो अभी फ़िलहाल हम तैयार हो चुके हैं, मैंने कुर्ती और जीन्स डाल रखी है। तो अभी फ़िलहाल खुशी भी तैयार हो चुकी है, तो हम घर से निकलते हैं। खुशी और मैं जा रहे हैं, ऋतिक जा रखे हैं गाँव, और छियाने वाले दादी और आएंगे तो उनके साथ जाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत भयंकर वाला अंधेरा हो चुका है। तो बनेरे में साथ ब्लॉग, तो कुछ इस तरीके से हमें गांव में शादी में अंधेरे में जाना पड़ता है, इतनी दूर हमारा घर है इसीलिए। और उधर से दादी और आ रहे हैं, तो बीच बीच में लाइट है, लेकिन बहुत ही लंबा लंबा गैप है। ये देखो इसका उजाला देख सकते हो, कितना कम नहीं दिख रहा। तो ऐसी कुछ मतलब बीच बीच में लाइट तो है लेकिन बहुत कम कम है। तो अभी यहाँ पे देखो ये मेहंदी लगा रहे बच्चे बच्चे, ये देखो यहाँ पे सब सब, ये तो नया मंदिर है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा डीजे बंद हो गया, अब हम जा रहे हैं नाचने के लिए। यहाँ पे सब देखने वाले बैठते हैं, मतलब हम जाएंगे नाचने। चलो 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 नाचने चलो।
तो अभी हम जा रहे हैं अंधेरे में घर, खुशियों में दादी और चली गई छुहानी वाले, मतलब उनके साथ आए हम आधे रास्ते में। ताको सबसे पहले हमारा घर आता है, फिर उनका घर आता है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं रास्ते में, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। बस पहुँच गए अपने घर। देखना हमारा जो डॉग है वो भौंकने लग गया है, तो बोल रहा हुआ कौन आ रही थी दादा। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम घर आ चुके हैं और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। नाचे में इस बार ज़्यादा नहीं नाचे, मन नहीं कर रहा था ज़्यादा नाचने का, पता नहीं क्यों। और बाद में सारी लड़कियाँ नाच रहे थे और लड़के भी नाच रहे थे, वो लड़कों को देखने के लिए चले गए वहाँ पता नहीं क्यों। और फिर हम कुछ लड़कियाँ थी, मैंने तो बस वीडियो बनाए, वैसे बनाए वीडियो लड़कों की, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उनको देख रहे थे वहाँ। मतलब जैसे आपको पता ही है पहाड़ में लड़के कैसे नाचते हैं धूमधाम से, तो सब उन्हीं को देखने के लिए चले गए थे और फिर नहीं नाच पाए। तो अभी दादी और ने बोला चलो घर चलते हैं कि, हमने बोला ठीक है। वैसे भी घर आने का मन था मेरा, तो कब से मन था घर आने का, लेकिन साथ के लिए कोई चाहिए था, तो इसीलिए तो दादी और के साथ अभी फिलहाल हम घर आ गए हैं। और ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलता है आपसे कल के ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।